दोस्तों पावर रेंजर्स एसपीडी, जंगल फ्यूरी, सामुराई, डाइनो फोर्स और भी कई सारे शोज इस फ्रेंचाइजी के ऐसे हैं जो कि आप सभी ने अपने बचपन में जरूर देखे होंगे और काफी ज्यादा पसंद भी किए होंगे। एक समय तो भारत में ऐसा था कि हर जगह सिर्फ पावर रेंजर्स की ही बात हुआ करती थी, उनके खिलौने बिकते थे और सोशल मीडिया ना होते हुए भी ये कहा जा सकता था कि हर जगह ट्रेंडिंग में केवल पावर रेंजर्स ही थे। लेकिन यही पॉपुलैरिटी टाइम के साथ साथ कम होने लगी। लोगों को वही शोज जो एक समय पे मजेदार लगते थे वो अब बोरिंग लगने लगे और आज के समय में पावर रेंजर्स की वॉचिंग बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इतनी ज्यादा बोरिंग और फ्लॉप हो गई। आइए इस वीडियो में इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। Power Rangers is a show that is loved by millions all around the world. For generations now, the Fox kids of the 90s, the Disney kids of the 2000s, the Nickelodeon kids of the 2010s, and now the Netflix kids of the 2020s. One wonders with the success of Once and Always, what an SPD Once and Always could have been. It's been going for almost 30 years at this point, which says that the premise is somewhat of a winner. The formula has always been simple. Power Rangers has been going downhill for many years, and there's only one person to blame for all. दोस्तों अगर आप पावर रेंजर्स की इस व्यूअरशिप लिस्ट पे नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2011 के बाद से कैसे इनके व्यूअर्स ने इन्हें छोड़ के जाना शुरू कर दिया था। एक समय में लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग इस शो को देखा करते थे और अब ये नंबर घट के कुछ हजारों में ही पहुंच चुका है। पावर रेंजर्स जैसी सक्सेसफुल सीरीज के लिए ये काफी ज्यादा चिंताजनक नंबर्स हैं। मतलब आखिर ऐसा क्या ही हो गया कि लोगों ने इसे देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब वैसे तो इसके कई सारे रीजंस हैं, लेकिन हम आज केवल तीन मेन रीजंस की बात करेंगे। इस सीरीज के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है ये आदमी। ये और कोई नहीं बल्कि हिम सेवन है, जो कि पावर रेंजर्स के क्रिएटर हैं। अब मुझे पता है कि आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, तो इसलिए पहले बात करते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे पावर रेंजर्स की शुरुआत की और कैसे ये उसके डाउनफॉल के कारण भी बने। सन 1984 में हिम सेवन जापान घूमने गए थे। वहीं उन्होंने एक पॉपुलर शो को देखा जिसमें कि सुपर हीरोज अलग अलग कलर के कॉस्ट्यूम्स पहनकर इविल से लड़ते थे और लोगों को बचाते थे। अब ये आइडिया उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया और उन्होंने फैसला किया कि वो अब इसका अमेरिकन वर्जन बनाएंगे। फिर उन्होंने इसके राइट्स खरीदे और पावर रेंजर्स के स्क्रिप्ट को लिखना शुरू कर दिया। अगले 8 सालों तक सेवन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क स्टूडियोज में जाकर अपने पावर रेंजर्स के आइडिया को पिच करने लगे और 1993 में फाइनली उन्हें फॉक्स किड्स के चैनल ने सपोर्ट किया और पावर रेंजर्स को टेलीकास्ट करने में उनकी मदद की। और इसी डील से रिलीज हुआ सबैन का पहला पावर रेंजर शो, जिसे कि माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स कहा गया। अब ये शो रिलीज होते ही पूरे वर्ल्ड में तुरंत ही हिट हो गया, जिसके बाद सेवन फॉक्स किड्स के साथ मिलकर पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइजी को और बड़ा बनाने में लग गया। अब सन 2001 में फॉक्स किड्स को डिज्नी वर्ल्ड वाइड चैनल ने $3 बिलियन में खरीद लिया, जिसके बाद पावर रेंजर्स ऑफिशियली डिज्नी पे आने लगा और इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। लेकिन अब सेवन ने 2010 में पावर रेंजर्स को डिज्नी से वापस खरीद लिया एंड सोचा कि वो पावर रेंजर्स को रिबूट करेंगे ताकि नई जनरेशन को टारगेट कर सके। अब इस प्लान से 2011 में रिलीज हुआ पावर रेंजर सामुराई, जिसके बाद पावर रेंजर्स के कई सारे वेरिएंट्स रिलीज हुए, जैसे कि पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी, डाइनो चार्ज वगैरह वगैरह। अब साल 2018 में हैम सेबन ने दोबारा पावर रेंजर्स की फ्रेंचाइजी को $522 मिलियन में हैसब्रो को बेच दिया, लेकिन वो अभी भी पावर रेंजर्स को कंट्रोल कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मॉडिफिकेशन पावर रेंजर्स में किया जाए, जिस ऑर्थोडॉक्स अप्रोच के चलते पावर रेंजर्स अब पूरी तरीके से डूब चुका है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन पावर रेंजर्स के फेल होने का था उसकी स्टोरी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हैम सेबन किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस पावर रेंजर्स में करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से शो का हर एपिसोड प्रिडिक्टेबल हो गया था। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पावर रेंजर्स की हर सीरीज में रेंजर्स के कलर सेम होते थे, लड़ने का पैटर्न सेम होता था और तो और पावर्स भी लगभग सेम ही होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने भी पावर रेंजर्स देखा है उन्हें पता होगा कि हमेशा पावर रेंजर्स विलन से लड़ते थे और जैसे ही उसे मार दिया जाता था तो वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता था, जिसे कि अगेन हराने के लिए पावर रेंजर्स मेगाजॉर्ड बनाकर उसका यूज करते थे। अब यही सेम चीज हर एपिसोड में रिपीट होती थी।
जिसकी वजह से लोग बोर होने लग गए और पावर रेंजर्स को छोड़कर जाने लगे। अब जरा आप खुद ही सोचिए कि अगर आप कोई एक्शन मूवी देखते हैं और वो आपको काफी ज्यादा पसंद भी आती है, लेकिन अब अगर आप उस मूवी को हर रोज रिपीट करके देखते रहेंगे तो आपका बहुत जल्द ही उससे मन भर जाएगा और जो मूवी एक टाइम पे आपकी फेवरेट थी वो अब आपके लिए बोरिंग हो जाती है। सेम यही चीज पावर रेंजर्स के साथ भी हुई। पावर रेंजर्स में सबसे बड़ी कमी थी स्टोरी की, क्योंकि कुछ एपिसोड्स को छोड़कर बाकी सभी एपिसोड्स रैंडम होते थे। व्यूवर्स को पता ही नहीं होता था कि आखिर शो में चल क्या रहा है। कोई भी रीजन नहीं होता था अगले दिन वापस आके पावर रेंजर्स को दोबारा देखने का। अब कई सारे लोग कहेंगे कि भाई वो बच्चों के लिए था तो उसमें आखिर स्टोरी की क्या ही रिक्वायरमेंट है। हाँ, माना मैंने कि वो शो बच्चों के लिए था, लेकिन जब इतनी सारी सीरीज पावर रेंजर्स की रिलीज करनी ही थी तो मेरे हिसाब से ऑडियंस के साथ साथ अपने कंटेंट को भी उन्हें मैच्योर करना चाहिए था, ताकि उनकी ऑडियंस के लिए वो हमेशा रिलेटेबल रहे। साथ ही साथ नए बच्चों के लिए या कहीं नई ऑडियंस के लिए वो हर एक दो साल में नई सीरीज तो वैसे भी लाते ही रहते थे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर पावर रेंजर्स में प्लॉट होता, स्टोरी होती जो कि उनकी ऑडियंस के साथ मैच्योर होती रहती, तो गारंटीड पावर रेंजर्स की आज ये हालत नहीं होती। अब ये तो पता नहीं कि पावर रेंजर्स दोबारा कभी अपनी जगह बना भी पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आपको जानना है कि आखिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पॉपुलैरिटी क्यों गिर रही है तो लेफ्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि बेन 10 के डाउनफॉल के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।